हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद गाइडेंस। इस वीडियो में हम पंजाब मास्टर कैडर का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम आता है उस पे बेस्ड एक मॉक टेस्ट, इसके हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और आपने अपने स्कोर भी लास्ट में चेक करने हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। नीचे दिए गए में से कौन सा काम डब्ल्यू बी ईट्स का नहीं है? ऑप्शंस हैं ए द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बेंजेंटियम, नो सेकंड ट्रॉय, द सी इज हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द सी इज हिस्ट्री। जो ये वाला वर्क है वो डब्ल्यू बी ईट्स का नहीं है। बाकी तीनों वर्क, द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बेंजेंटियम, नो सेकंड रो, ये तीनों ही वर्क जो हैं वो डब्ल्यू बी ईट्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ विलियम ब्लेक। निम्न में से दिए गए कौन सा वर्क विलियम ब्लेक का नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शंस हैं द चिमनी स्वीपर, ऑड टू ऑटम, नर्स सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑड टू ऑटम विलियम ब्लेक की नहीं है। ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स की पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, जॉन कीट्स इज, ऑप्शंस हैं एन अमेरिकन पोएट, एन इंग्लिश पोएट, एन आयरिश पोएट, एन इंडियन पोएट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, मिस्टर वुड हाउस इज अ करेक्टर इन डैश, मिस्टर वुड हाउस करेक्टर हैं, ऑप्शंस हैं एमा, वॉलपॉन, द किंग लियर, डी पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एमा, जो कि जेन ऑसन का लिखा हुआ है, तो उसमें मिस्टर वुड हाउस एक करेक्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच पोएट डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा पोएट है जो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, जेन ऑसन, एडमंड स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडमंड स्पेंसर, ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ एस टी कॉलरिज पोइट्री। एस टी कॉलरिज की पोइट्री के कौन से स्पेशल फीचर्स हैं? ऑप्शंस हैं इमेजिनेशन, मिस्ट्री, रोमांटिक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इमेजिनेशन, मिस्ट्री और रोमांटिक, ये तीनों ही एस टी कॉलरिज की पोइट्री की स्पेशल फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश इज अ स्टोरी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। इनमें से कौन सी स्टोरी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड है? तो इसके ऑप्शंस हैं अमंग स्कूल चिल्ड्रन, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द सी इज हिस्ट्री, ऑड टू ऑटम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये एक पोइम है जो कि क्राइम एंड पनिशमेंट स्टोरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द कैनोनाइजेशन इज द वर्क ऑफ, द कैनोनाइजेशन वर्क है, ऑप्शंस हैं जॉन डॉन, एस टी कॉलरिज, शेक्सपियर, डब्ल्यू बी ईट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन डॉन की रचना है, जॉन डॉन का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनमें से कौन सा वर्क रॉबर्ट ब्राउनिंग का है? ऑप्शन है रबाई बेन एज़रा, माय लास्ट डचेस, द लास्ट राइड टुगेदर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही काम रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द पोएट ऑफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग कवि थे, कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड, लव, ऑप्टिमिज्म, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड से बिलोंग नहीं करते थे, लव और ऑप्टिमिज्म के पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ सोनेट इज डैश, अ सोनेट होती है, अ 14 लाइन पोएम, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, अ 5 लाइन पोएम, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ 14 लाइन पोएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इज द वर्क ऑफ, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वर्क है,
ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, राजा राव, आर के नारायण, वी एस नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी एस नेपाल की लिखी हुई रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स द नेम ऑफ मेन मेल कैरेक्टर इज सलीम। इन चारों में से किस नॉवल के मेन मेल कैरेक्टर का नाम सलीम है? तो इसके ऑप्शंस है फैंसिस, अ बेंड इन द रिवर, एमा, डिजायर अंडर द एल्म्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ बेंड इन द रिवर। इसमें जो मेन मेल कैरेक्टर है उसका नाम सलीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिडल मार्च इज द वर्क ऑफ। मिडल मार्च वर्क है, ऑप्शंस हैं टी एस इलियट, जॉन ड्राइडन, गीता हरिहरन, जॉर्ज इलियट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज इलियट का वर्क है मिडल मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफॉक। एल्फर्ड प्रूफॉक का जो वर्क है द लव सॉन्ग, ये क्या है? ऑप्शंस हैं अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ पर्सनल डिलेमा, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है और एक पर्सनल डिलेमा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन शेक्सपियर्स ओथेलो डेस्टिमोना सीक्रेटली गॉट मैरिड टू। शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्टिमोना किससे छुप के मैरिज करती है? ऑप्शंस हैं ब्रेबेंशियो, ओथेलो, नन, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओथेलो से छुप के सीक्रेटली मैरिज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ बैलेड इज और कैन बी। अ बैलेड होती है या हो सकती है। ऑप्शंस हैं अ नरेटिव वर्स, आइदर पोएटिक और म्यूजिकल, राइम्ड क्वाट्रेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही हो सकती हैं। बैलेड इज अ नरेटिव वर्स, अ बैलेड कैन बी आइदर पोएटिक और म्यूजिकल, अ बैलेड इज राइम्ड क्वाट्रेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज अ मोनोलॉग इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिम और हर सेल्फ एक्सप्रेसिंग इनर थॉट्स। डैश एक ऐसा मोनोलॉग है जिसमें करेक्टर अपने आप से ही बात करता है और अपने अंदर के जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सोलिलकी, एपिक, मोक एपिक, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलिलकी, जिसमें करेक्टर खुद से ही बात करता है और अपने अंदर की जो उसकी इनर थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस सीन वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फ्रॉम। एक बहुत ही फेमस सीन है जिसका नाम है वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये किस में है? इसके ऑप्शंस हैं द किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, डी ओथेलो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस का सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रेजिडी। इन चारों में से कौन सी ट्रेजिडी है? ऑप्शंस हैं द किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजिडीज हैं, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड एक मॉक टेस्ट जिसके हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे और आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं और आपको एग्जाम में अभी और कितनी प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।